ये वाला नीचे वाला इसमें तुम्हारे लिए है, और ऊपर वाले में करेले वगैरह की है, ठीक है? और खाना फिर बताना हाँ। तो अब करते हैं शिवानी को। और उधर है शिवानी, दिख रही होगी। और शिवानी से मिलवाते हैं आपको। तेरी खुशियों के खातिर मैं सारे जग से लड़ जाऊं, है मेरी यही आरज़ू कि तेरा ही मैं साथ दूं, तेरा बन के रहूं सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल और न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 7 बजे से, वो भी मेरी चाय के साथ। तो अभी सोकर सब लोग उठ चुके हैं, मम्मी गई है योगा और पापा उठ चुके हैं, पापा ने नहा लिया है। और अब मैं फटाफट से पापा को देती हूँ चाय। तो आज की शुरुआत चाय से हुई है मेरी। तो अभी जैसे कि आज है 7 मार्च और आज है काजल का बर्थडे, तो काजू को विश यू अ वेरी हैप्पीएस्ट बर्थडे, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरी उसके साथ हैं। और अभी तो वो कॉल नहीं उठा रही है, स्विच ऑफ जा रहा है फ़ोन, नेट भी ऑफ है उसका। जब वो कॉल देखेगी या क्या पता कॉल बैक आए, फिर बाद में ट्राई करेंगे। और आज है बहुत स्पेशल डे, और कल भी है मेरे लिए बहुत ही खास, मेरे स्पेशल पर्सन का बर्थडे, मेरे पति देव का बर्थडे है कल। तो फिर कल का भी व्लॉग बहुत फैंटास्टिक होने वाला है, और आज का व्लॉग तो होगा ही फैंटास्टिक। तो अभी फटाफट चिकट बना लेते हैं चाय, और उसके बाद मिलते हैं। बाबू दीदी है चाय, और यहाँ पापा की पूजा भी हो गई है, नहा धोकर बढ़िया करके। और मैंने भी गर्म पानी पी लिया है जो मैं सुबह उठ के पीती हूँ। और अभी फटाफट से करते हैं काम, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाते हैं, जो भी करना है उसको जल्दी से करते हैं। आज आने वाली है शिवानी मुझसे मिलने, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ तिल की चटनी। तो ये मैंने यहाँ पर आलू को कट दिया है मेथी वगैरह और तेल से, और यहाँ पर प्याज भी कट करा है तिल की चटनी के लिए। और फटाफट से बनाते हैं उसके लिए तिल की चटनी, क्योंकि उसका बहुत मन है। काफ़ी टाइम से बोल रही थी, मेरा हो ही नहीं पा रहा था उसे देना, तो आज मैं जाऊँगी उससे मिलने। तो फिर उसको चटनी भी देते हैं, और फिर उससे पूछेंगे बाद में कि कैसी बनी है क्या है। तो अभी बना लेते हैं पहले पूरी चटनी, फिर दिखाते हैं आपको। ये चटनी तैयार है आलू की, और यहाँ पे मैंने तिल भी हो गया है, और अब इसको फटाफट से कर देते हैं मिक्स और बनाते हैं पूरी चटनी, फिर दिखाते हैं। शिवानी के लिए हो गई है चटनी रेडी, जो कि है ये, और ये मैंने शिवानी के लिए पैक कर दी है चटनी। और अब शिवानी को देंगे, अभी जब जाएंगे उससे मिलेंगे। और बाकी जो मैंने करेले की भी चटनी बनाई थी वो भी उसको दे देंगे, घर वाले खाएंगे उसके। और थोड़ा सा वो चखेगी तो चखेगी, वरना उसको आलू की ही खानी थी, तो आलू की ही चटनी बनी है। तो अभी होते हैं फटाफट से रेडी, और फिर चलते हैं शिवानी से मिलने। ये रेडी और पैक भी कर दिया, फटाफट से हो जाते हैं रेडी, और फिर निकलते हैं। मैं रेडी और फटाफट से निकलते हैं, और फिर मिलवाते हैं आपको शिवानी। फटाफट से हो गए हैं रेडी, अब बाहर आ गई हूँ, और अब चलते हैं MH, और फिर मिलवाते हैं आपको शिवानी से। और मैं जाने वाली हूँ विनय भैया के साथ, विनय भैया हो गए यहाँ पर रेडी मुझको ले जाने के लिए, और अब फटाफट से चलते हैं। तो ये है MH, हम पहुंच गए हैं, अब चलते हैं अंदर। हम पहुंच गए हैं MH, और ये है विनय भैया की कैंटीन, और अभी चलते हैं अंदर। और उधर है शिवानी, दिख रही होगी। और शिवानी से मिलवाते हैं आपको, और ये है शिवानी। शिवानी से हेलो, हाय, कैसे हो? हमारा मन नहीं भरता मिल के। अंदर बैठे बैठे हो गई हूँ बोर, बहुत टाइम लगता है भाई MH में। और अब चलते हैं घर थोड़ी ही देर में। बैठी है शिवानी। शिवानी को ऐसी ज़रा मारी है। शिवानी का तो व्लॉग देर में आएगा, शिवानी ने नहीं करा होगा शूट। हो गया है शिवानी का काम, और अब निकलते हैं फटाफट से घर के लिए, और फिर शिवानी से भी मिलते हैं, शिवानी को करते हैं बाय,
और फिर चलते हैं घर और फिर शिवानी को दे देते हैं चटनी। ये तो मेरा पर्स लाओ, दे दो शिवानी। ले जा लो इसमें शिवानी, जो वैसा टिफिन है ना, ये वाला नीचे वाला इसमें तुम्हारे लिए है और ऊपर वाले में करेले वगैरह किए, ठीक है? और खाना फिर बताना। हाँ तो अब करते हैं शिवानी को बाय। चलो बाय शिवानी, बाय बाय, ठीक है? ध्यान रखना, आराम से। अभी इसने मुझे सेव रोटी खिलानी है। हाँ वो बाद में खाना, जब मैं आ जाऊंगी तब खाना। तो अभी चलते हैं और फिर बाय। गई हूँ मैं घर और अब करते हैं फटाफट से चेंज, खाना वाना खाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। तो शिवानी के वहाँ से मिलकर आई, फिर खाना वाना खाया, उसके बाद दीदी और भी आए थे तो फिर बिजी हो गई। अब बिजी हो गई, उसके बाद थोड़ा सा भी रेस्ट किया और अब बना रही हूँ यहाँ पर चाय। तो चाय वगैरह पीते हैं और उसके बाद थोड़ा सा मार्केट जाते हैं, क्योंकि सभी लोगों को पता है कल बहुत स्पेशल डे है, महादेव जी का दिन है और महाशिवरात्रि है, तो सब लोग तैयारी कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरे को ही मार्केट जाना है, बेर वगैरह और जो जो उनको चढ़ता है वो सब चीज़ें, क्योंकि सुबह सुबह तो जल्दी जल्दी होगा और सब जगह भीड़ होगी कल मंदिरों में, तो आज ही पूरी तैयारी कर लेते हैं। तो अभी चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद निकलते हैं मार्केट और फिर दिखाते हैं आपको मार्केट की रौनक। मार्केट से होकर आ गई हूँ मैं और बाहर का तो आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि ज़्यादा वो भी नहीं हो रहा था, टाइम काफ़ी हो गया था 8:30-9:30। और यहाँ फ्रूट्स वगैरह सब ले आई हूँ जो कल शिव जी को चढ़ेंगे, फ्रूट्स वगैरह सब ले आई हूँ और सुबह देखते हैं फिर कैसा कैसा होता है। और खाना वाना सब लोगों ने खा लिया है, मैं भी खाती हूँ थोड़ा बहुत क्योंकि कल तो फिर फास्ट है। और खाते हैं खाना और फिर आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। तो खाना वगैरह खा लिया है बढ़िया करके, और कल तो सभी को पता है फास्ट है, तो खाना खा के किचन विचन में बर्तन वर्तन धो के पूरा काम करके आ गई हूँ रूम में, करते हैं सोने की तैयारी। तो और कल तो स्पेशल डे है ही, सबको पता है शिवरात्रि, महादेव जी का दिन है, बहुत अच्छा डे है। और दूसरे महादेव जी का भी दिन है, मतलब मेरे पति देव का कल है बर्थडे, तो एडवांस में उनको हैप्पी बर्थडे बेबी। तो कोशिश है कि रात को 12 बजे उनको विश किया जाए, बट अभी बज रहे हैं 10, तो 2 घंटे हैं, देखते हैं जग पाती हूँ या नहीं। तो एनी केस कि मैं उनको विश कर पाऊँगी या नहीं वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही पता चलेगा कि मैं उनको विश कर पाई थी या नहीं। तो अभी फ़िलहाल सो जाते हैं थोड़ा बहुत, और अगर उठी रही तो उठी रहूँगी क्योंकि विश कर ही सोऊँगी। ये ही दिन होता है जो स्पेशल फील होता है और हर कोई चाहता है कि अपना ही पर्सन सबसे पहले विश करे, तो मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं उनको सबसे पहले विश करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यही था आज का डे, कल शिवरात्रि है, आज सब लोग बिजी डे था, शिवानी से मिली। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड कर देते हैं, आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और आपस में शेयर करें। मिलते हैं जल्दी से एक नए ब्लॉग में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, बाय, गुड नाइट।